between 100 to 109, there is an opportunity given how to protest execution also. But there is a method to protest. You simply cannot say that I will not obey. जो हम भारतीयों की बड़ी कॉमन रिएक्शन है, जाओ जो करना कर लो, कहते हैं ना, पर कोर्ट से ऐसे नहीं कह सकते आप, जाओ जो करना कर लो, कोर्ट कहेगा, ये कहना है ना, तो ऑर्डर 21 रूल 100 टू 109 में बोलो, प्रोसेस है प्रोटेस्ट करने का, ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन, there is a procedure. If you are justified to obstruct, you have to give your justification as per the rules. Is that clear? Then order 22, death, insolvency, etc. is given. Death, marriage, insolvency, order 22. Decree ho gayi, execute ho gayi. Magar एग्जीक्यूशन के समय किसी ने कहा साहब जिसको एग्जीक्यूट करना उसकी तो डेथ हो गई, तो क्या होगा, या सूट चलते में डेथ हो गई, अभी डिक्री हो नहीं पाई, हाँ, या डिफेंडेंट या प्लेंटिफ इंसॉल्वेंट हो गया, अब कौन इसको एग्जीक्यूट करेगा, या इंटरेस्टिंगली एक फीचर आता बीच में मैरिज, डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी, इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि कई बार प्लेंटिफ वॉज अ लेडी और अ डिफेंडेंट वॉज अ लेडी एंड शी इज मैरिड, अब वो मान लो सूट फाइल किया था लेकिन ससुराल वाले आने नहीं दे रहे, या जिसके खिलाफ किया था वो तो साहब अब गए, अभी क्या एग्जीक्यूट करो, दो दोज टाइम्स वर देयर, दैट्स व्हाई दोज रूल्स आर देयर, बट दोज रूल्स ऑल टॉक अबाउट दीज डिफरेंट सिचुएशंस, हाउ टू मीट दैट, ऐसी सिचुएशन नहीं हो कि ये सिचुएशन हो गई और कोई कानून में आंसर ही नहीं है, एंड दैट इज व्हाई ऑर्डर 22 सेज डेथ इंसॉल्वेंसी मैरिज एटसेट्रा इन सच सिचुएशंस हाउ वुड द सूट प्रोसीड, ठीक है. Then order 23, withdrawal and adjustment of the suit. किसी ने कहा भाई मुझे अभी नहीं लड़ना, मैं विड्रॉ करना चाहता हूं, तो प्रोविजन होना चाहिए ना, isn't it? So withdrawal and adjustment of the suit under order 23. Order 24, payment in the court. कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप पेमेंट देना चाह रहे हैं, ऑपोजिट पार्टी पेमेंट लेने को तैयार नहीं, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, साहब आई वॉन्ट टू शो माई बोनाफाइड दैट आई वॉन्ट टू मेक अ पेमेंट, the other side is not accepting money from me, so I am ready to deposit in the court. So payment in the court, order 24. Sometimes costs have been imposed and the person, like what's her name, Shraddha, does not want to pay the cost, she wants to challenge that cost, sir this is unreasonable cost. So she says that I am giving security to the court that in case finally it is decided that I am leviable with this cost, so she puts security to cost. Order 25. Order 25, security to costs. कहां तक आ गए, ऑर्डर 25. अभी सेक्शंस में चलेंगे, तो एग्जीक्यूशन गॉट ओवर बाय 21,
ये खत्म हो गया। पार्ट थ्री आया इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स देन कम्स सूट्स इन पर्टिकुलर। सूट्स इन पर्टिकुलर चैप्टर पार्ट फोर। सो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स क्या है? रेड विद ऑर्डर 26। अब आप आइए ऑर्डर 26 देखिए। 25 तक हो गया ना। व्हाट इज ऑर्डर 26? कमीशन। उधर सेक्शंस में इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। व्हाट इज कमीशन? ये एजेंट वाला कमीशन नहीं है। ये कमीशन इज वेयर द कोर्ट अपॉइंट्स अ पर्सन टू डू द जॉब व्हाट निशित इज डूइंग हियर। आउटसोर्स कर रहे हैं, मेरा काम तुम करो, नोट्स तुम बनाओ। ऐसे कोर्ट कई बार एग्जामिनेशन खुद नहीं कर सकता तो वो एक आदमी को अपॉइंट करता, भाई इसको एग्जामिन करो। कई बार इंस्पेक्शन के लिए किसी स्पॉट पर जाना है कि ये लैंड वहां पर है कि नहीं है, देख के आओ, तो कोर्ट खुद तो नहीं जाएगा, कोई रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया। दैट इज कॉल्ड अ कमीशन हैज बीन अपॉइंटेड टू एग्जामिन दैट फैक्ट। इज दैट क्लियर? सो यहां पर कमीशन वो एजेंट वाला कमीशन नहीं है, इट्स लाइक अ पर्सन हु हैज बीन अपॉइंट। जी वाह, बहुत बढ़िया। अभी सूट चल रहा है, कमीशन अपॉइंट हो रहा है और डिफेंडेंट पूछ रहा है सर ये कमीशन वमीशन का पैसा कौन देगा, पूछ लो। वाह, क्या नाम है आपका? अमित जी, बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं लाइफ में आप। सब चीज़ के पैसे पहले, हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बट एनी वे, इट्स अ लॉजिकल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कमीशन, कोर्ट डिसाइड्स हु विल बेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ द कमीशन। नॉर्मली कमीशन एक्सपेंडिचर आइदर ऑन द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज बॉर्न बाय प्लेंटिफ और बाय डिफेंडेंट हूएवर वांट्स इट, और समटाइम्स इफ द कोर्ट सो मोटो अपॉइंट्स इट कैन बी शेयर्ड बाय बोथ द पार्टीज। राइट, नाउ मूविंग अहेड, यहां पर आप पार्ट टू के बाद पार्ट थ्री में आ गए, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग। पार्ट फोर में है सूट्स इन पर्टिकुलर। पहला पार्ट क्या था? सूट्स इन जनरल। अभी क्या है पार्ट फोर? सूट्स इन पर्टिकुलर। सूट्स इन पर्टिकुलर इज टू बी रेड विद ऑर्डर 27 ऑनवर्ड्स। ऑर्डर 27 ऑनवर्ड्स। कहां तक जाएगा ऑर्डर 27? सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर 27। ऑर्डर 27 सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेड विद पार्ट फोर। सूट्स इन पर्टिकुलर ऑल्सो टॉक्स थ्री कैटेगरीज ऑफ सूट्स। सूट्स इन पर्टिकुलर टॉक्स थ्री कैटेगरी ऑफ सूट्स। सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट 79 ऑनवर्ड सेक्शन, सेक्शन 79, 80, 81, 82, etc. Then suits by or against the foreign dignitaries, ambassadors, envoys, foreign rulers. And third is suits against the former rulers of India. That means kings, etc. ये part 4 में है. Suits in particular.
Order 27, suits by or against government. Order 27, A has been inserted. फिर से अमेंडमेंट में मैंने आपको कहा ना, इन ऑल देर आर 51 ऑर्डर्स बट 7 मोर टाइम टू टाइम हैव बीन एडेड, सो एज ऑन टुडे देर आर 58 ऑर्डर्स, राइट? सो वॉट एवर ऑर्डर्स हैव ए, दे आर विद अमेंडमेंट्स एडेड लेटर, नॉट इन द ओरिजिनल स्कीम ऑफ थिंग्स. सो ऑर्डर 27, ऑर्डर 28 इज रूल suits by or against corporations, companies. Then order 29 is, no sorry, 28 is against military, navy, military, navy and air force. 29 is corporation. 30 by partnership firms. Order 31, trust. Order 32, minor. And 32A again is inserted by amendment, by family matters. Then order 33, by indigent person. What is indigent person? Not able to pay the court fee, also known as pauper. Right, order 33 talks about pauper who cannot pay the court fee, is not in a position to pay the court fee, is pauper, right? So we have reached up to order 33. There we have reached part 4. So part 5 is special suits. Part 6 is supplemental suits, supplemental proceedings, special case, supplemental proceedings. Then moving ahead, after pauper comes order 34. What is order 34? Immovable property. Suits in respect of mortgage. Suits in general, etc., discussed about sale deeds, etc. Suits in respect of mortgages, order 34. Isme kya aata hai mortgages mein? Foreclosure, redemption. All that is under order 34. 35. What is 35? Interpleader. Read with section 88. Read section 88. Order 35. What is interpleader? Interpleader suit is